खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी खिदमत में इरफान अजीज का सलाम। एंशियंट ग्रीक का एक फ्रेज, एक फिक्रा, एक मुहावरा जो हम आम फहम जिंदगी में बहुत बोलते हैं, कुछ यूं है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और मौजूदा दौर में अगर हम अपने आम फहम जिंदगी में देखें तो इस फिक्रे को, इस फ्रेज को बहुत दोहराया जाता है। और हमने जब किसी को मोटिवेट करना हो, किसी को इनकरेज करना हो, उसकी हौसला अफजाई करनी हो, और किसी को हम चाहते हो आम जिंदगी में, तो हम उसको अक्सर ये फिक्रा दोहराते हुए देखते हैं। और एक दूसरे से कहा जाता है कि खुदा हमेशा उस शख्स की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। किसी हद तक अगर इस फिक्रे की सच्चाई को देखा जाए तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन किसी हद तक इसमें भी बहुत सारी बातें नामुकम्मल रह जाती हैं। इंसानी तारीख का मुतालिया किया जाए और अगर तजर्बे से बात की जाए तो इंसान अपनी बेहतरी के लिए और अपने आप को संभालने के लिए, अपनी मदद करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप करता है। और तारीखी एतवार से भी अगर इसको देखा जाए तो इंसान ऐसे सिस्टम्स अपने लिए बनाता आया है और बनाता जा रहा है और बनाता चला जाएगा। और माशरे में भी हम देखें तो हम अपने लिए मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की मदद की जाए या मैं अपनी मदद कर सकूं। 911 के कमर्शियल को अगर देखा जाए तो उसमें क्या कहा जाता है, हेल्प, आई हैव बीन फॉलन एंड आई कांट गेट अप। फिर सवालिया निशान आ जाता है और यूं कहता है, वेयर डू यू गो व्हेन यू नीड हेल्प, डू यू कॉल ऑन फैमिली और फ्रेंड्स, और फिर उसके कहा जाता है डायल 911। हकीकत है कि इंसान अपने लिए एक सिस्टम डेवलप करता है, बनाता है कि हम अपनी मदद आप करें। लेकिन मेरे अजीजो, इसी तरह इंसानी तरीका अगर इसी और मुतालिया किया जाए और तजर्बे से हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम, कोई भी सपोर्ट सिस्टम, किसी भी किस्म की इंश्योरेंस, किसी भी किस्म का कोई और लाए अमल जो इंसान अपने लिए तैयार करता है, वो मुकम्मल तौर पर इंसान की मदद नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। इंसानी जेहन तो ये कहता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बट स्क्रिप्चर हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या कहती है, खुदा का मुकद्दस और जिंदा कलाम हमें क्या कहता है, वो यूं फरमाता है गॉड हेल्प्स दोज हु सीक हिज हेल्प, कि खुदा हमेशा उनकी मदद करता है जो उसकी मदद के मुतलाशी होते हैं, जो उसकी तरफ अपनी आंखें उठाते हैं। क्योंकि बुजुर्ग मूसा बड़ी खूबसूरत बात जबूर 90 में कुछ यूं फरमाते हैं कि यार रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह है, तू ही हमारी पनाहगाह है, और वो पुश्त दर पुश्त जनरेशन टू जनरेशन तू हमारी पनाहगाह है। और आप अपने इस बयान में इस बात का इकरार करते हैं कि बेशक हम किसी भी सिस्टम में छुप जाएं, हमारी पनाह खुदावंद है। बुजुर्ग बादशाह दाऊद यूं फरमाते हैं जबूर 121 में, वो कुछ यूं से कहते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। यहां पर वो सवाल करते हैं, लेकिन फिर उस सवाल का जवाब खुद देते हैं, मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मेरे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि बेशक ये दुरुस्त है किसी हद तक इंसान होते हुए कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप चाहते हैं, बट कलाम हमें ये बताता है कि हमें अपनी मदद के लिए खुदावंद को पुकारना है। क्योंकि जबूर 20 उसकी 7वीं आयत में
बुजुर्ग बादशाह दाऊद बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। आए मेरे साथ आज आप भी ये कहने वाले बने कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।